Assalamu alaikum class 2, how are you all? I hope you all are fine. So class 2, we are going to do our work length. हमने क्लास में मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया था. चैप्टर हमारा था मेजरमेंट्स, जिसमें हम लेंथ को मेजर कर रहे थे. मैंने आपको बताया था जो बड़ी लेंथ्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हम लेंथ मेजर करते हैं, उसको हम उसका यूनिट क्या होता है, उसको हम किस में करते हैं, मीटर्स में. मीटर इज़ द बिगर यूनिट. और जो छोटी लेंथ होती है उसको हम सेंटीमीटर में करते हैं, ठीक है. सो आपका 1 मीटर कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर्स के. फिर उसके बाद क्लास में हमने कन्वर्जन की थी. कन्वर्जन में हमने कैसे अलग किया था, अगर आपको मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स में लेंथ अलग अलग करनी है, ठीक है. आपको मीटर्स में दिया हुआ है, आपको मीटर्स में से अलग करना है और सेंटीमीटर अलग करना है. तो क्या किया था हमने क्लास, हमने प्लेस वैल्यू सबसे पहले दी थी 1, 10 और 100 की, ठीक है. और जो 100 प्लेस का नंबर था उसको हमने मीटर में चेंज कर दिया था, क्योंकि वी हैव 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो 100 प्लेस पे आपका जो भी नंबर था वो 100 से मल्टीप्लाई हुआ था और वो मीटर में चेंज हो गया था और रिमेनिंग इज़ योर सेंटीमीटर. इसी तरह 100 प्लेस पे आपका 1 है तो 1 मीटर आ गया था एंड 7 सेंटीमीटर. सेम 100 प्लेस पे आपका 1 था एंड रिमेनिंग इज 10, तो 1 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था जब हमें मीटर एंड सेंटीमीटर को सिर्फ सेंटीमीटर में चेंज करना था, ठीक है. अब हमें सिर्फ यहाँ पे, पहले यहाँ पे हमें सेंटीमीटर दिया था, हमें मीटर एंड सेंटीमीटर अलग करने थे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मीटर एंड सेंटीमीटर दिए हैं और हमें सिर्फ सेंटीमीटर में चेंज करना है. तो इसमें हमने क्या किया था, जो आपका मीटर था हमें पता है, यहाँ से देखा था हमने, क्लास में लर्न किया था कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो जो आपका मीटर के पास जो भी नंबर था उसको हमने क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था. तो ये आपका क्या हो गया, 200, ठीक है. 200 और 94 सेंटीमीटर्स थे, तो क्या किया था हमने, 294 सेंटीमीटर इसको हमने एक साथ लिख दिया था. फिर इसी तरह ये 9 मीटर्स था, तो 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 900 सेंटीमीटर्स. 14 मीटर्स था तो 1400 सेंटीमीटर्स हो गया, ठीक है. अगर मीटर्स के साथ आपके सेंटीमीटर्स हैं तो उसमें प्लस हो जाएंगे, नहीं तो सिर्फ, अगर एक सिर्फ मीटर दिया हुआ है आपको तो वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा. आज हम करेंगे पेज नंबर 112, लेंथ की हम एडिशन करेंगे. सिंपल, आपने जैसे हम प्लस और माइनस करते थे वैसे ही प्लस माइनस करना है, प्लस करना है. आज हम सिर्फ एडिशन कर रहे हैं, बस सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर के साथ मीटर लिख देंगे. कैसे करेंगे, 8 + 7, आपको पता है हम एडिशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं मैथ्स में, अपने राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं और जो नंबर कैरी आता है वो अपने लेफ्ट हैंड वाले नंबर को दे देते हैं, ठीक है. 8 + 7 हमारे पास हो जाता है 8 इन योर माइंड, 7 ऑन फिंगर्स मेक्स 15. 15 का मैंने 5 लिखा, 1 कैरी दे दिया. 6 इन योर माइंड, 1 ऑन फिंगर 7. 7 इन योर माइंड, 1 ऑन फिंगर 8. देखिए मैंने सिंपल एडिशन की है, सिर्फ मैंने नंबर्स को प्लस किया. इस दोनों को नंबर्स को प्लस किया तो मेरे पास 85 आंसर आ गया और इसके साथ मैंने लिख दिया सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में हैं. इसके बाद मैंने ये वाले नंबर प्लस किए, 5 इन योर माइंड, 2 ऑन फिंगर 7. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मीटर. इसी तरह आप नेक्स्ट करेंगे, 5 इन योर माइंड, 4 ऑन फिंगर मेक्स 9. एंड 9 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है. जब कोई नंबर नहीं होता तो इसका मतलब होता है क्या है, वहाँ पे 0 है. तो हम कैसे ऐड करते हैं, 9 इन योर माइंड, 0 ऑन फिंगर मेक्स 9. सेंटीमीटर है तो इसके नीचे सेंटीमीटर लिख दिया. इसके बाद 6 इन योर माइंड, 1 ऑन फिंगर मीटर में है तो ये हो गया 7 मीटर. सेम इसी तरह सी पार्ट किया, 8 इन योर माइंड, 8 ऑन फिंगर मेक 16. 6 लिखा, 1 कैरी दे दिया. 4 + 1 = 5. 5 इन योर माइंड, 3 ऑन फिंगर 8, और ये सेंटीमीटर्स है तो यहाँ मैंने लिख दिया सेंटीमीटर्स, ठीक है. फिर 7 इन योर माइंड, 2 ऑन फिंगर मेक्स 9 मीटर. सेम इसी तरह आपने ये पूरा पेज करना है, बस सिंपल प्लस करना है और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखना है एंड मीटर के नीचे मीटर लिखना है. आई होप ये एडिशन आपको आती होगी, क्लास में भी हमने की थी. और अब अच्छे से बुक में कीजिएगा, डेट के साथ, क्लास वर्क के साथ एंड डेट के साथ, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.